बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जो कि इन्फ्लुएंसर्स लोग का इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, वो भी क्यूकी और पेटीएम इनसाइडर मिलके कोलैबोरेट करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और इतना बड़ा स्टेज है, इतने सारे लोग आए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, और सब जन परफॉर्म कर रहे हैं, और सब लोग का जॉनर भी ऐसा है जो अभी तक का लोग देखे नहीं। फर्स्ट टाइम डांस कर रहा हूँ, वो भी इतने बड़े स्टेज पे, सबसे ज्यादा तो हंसते हैं, अंदर से डर भी लग रहा है कि हम लोग तीनों को तो लोग दोनों का ही देखने का डांस है, ये लोग कभी किए नहीं। बहुत सारी चीजें भी हो रही हैं, जैसे फैन जोन है, सुपर फैन जोन है, एपिक आफ्टर पार्टी भी है, वो प्राइवेट पार्टी होने वाली है, तो बहुत मजा आने वाली है। जैसे अभी हम लोग शूट किए, सुबह से हम लोग शूट ही कर रहे थे फैंस लोग के साथ में, तो सुपर फैन जोन का था, तो उसमें भी अलग अलग कंटेंट थे, कि कोई जिम वाला बंदा है, तो कोई बाइक राइडर है, कोई सुपर फैन में है, तो बहुत मजा आया सुबह से। बहुत ज्यादा अभी तो सब बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सबसे ज्यादा अभी खुशी इस बात की है कि अभी हम लोग का परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसके लिए हम लोग 3 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। हालत खराब हो गई है, कुछ खाए पिए नहीं है, 2 दिन से सोए नहीं है, मगर हम लोग अपना बेस्ट देंगे, वहाँ बेस्ट देंगे जरूर, आग लगा देंगे। तो वो अभी नहीं बता सकते, पहले बता दूंगा तो फिर वो मजा नहीं आएगी, अभी बता देंगे, मजा नहीं आएगा। तो सबसे हटके है इस बार वाला, और सबसे अच्छा लगेगा, और सबसे धमाकेदार है, सारी चीजें परफेक्ट है, और फील है, फील, और फील ऐसा है कि पूरी पब्लिक झूमेगी, मस्ती है, मस्ती है, पूरी पब्लिक झूमेगी। ओके सो फैंस, आपने तो यू नो काफी सारे अवार्ड फंक्शन अटेंड किए हैं इससे पहले भी, बट कितना अलग है ये आपके? ये बहुत अलग है और बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अभी तक का जियो गार्डन में मैंने ऐसा इवेंट देखा नहीं हूं जैसे एपिक फैन जैम हमारी कंपनी कर रही है, क्योंकि डिजिटल मीडिया, तो बहुत मजा आने वाली है, और सबसे अलग ही होने वाला है ये इवेंट अब तक का, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। इसके अलावा जो अभी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है, वो देख रहे हैं बिग बॉस भी, मगर अभी आजकल कुछ 1-1.5 हफ्ता हो गया नहीं देख पा रहे हैं, और हमने सुना है कि उसमें आसिम एक बंदा है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही है जैसे हम लोग है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा ग्रो कर रहा है उसमें, तो ऐसी सपोर्ट रहेगा उसको हमारी तरफ से भी, इंशाल्लाह जीतेगा वो। मेरा भी फेवरेट आसिम ही है, मैं इससे पहले फैज के सॉन्ग लॉन्च में भी मैं बोला था, आसिम और शहनाज की बात करने का बात करती है, वो बहुत अच्छा है, मतलब वायरल तरह अच्छा खेल, सबको खींचती है अपने तरह, मैं भी टिकटॉक पर मैं वीडियो बनाया था, इतनी सुंदर लड़की भी पट्टी करती है, मगर जिसका बिग बॉस में नेचर खुला होता है और जो खुले मिजाज का होता है ना, वही जीतता है, जो रियल होता है, तो हम लोग ने उसको आसिम में देखे उस चीज़ को, उसका एकदम खुला मिजाज है, और वो जैसा खेलता है ऐसा लगता नहीं है कि कुछ स्क्रिप्टेड है, तो बहुत सही खेल रहा है वो। स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं है वैसे, कैप्टन रियलिटी, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ स्क्रिप्टेड, मतलब वहाँ पे हवा उसका। प्रोटेस्ट अदनान बताएगा इस बारे में, इसके बारे में उसके लिए मैं गया था प्रोटेस्ट के लिए, लो प्रापो सॉरी, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गाइस, ऐसी सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग के सपोर्ट और प्यार से आज हम लोग यहाँ है, इंशाल्लाह हम लोग आप लोग को ऐसी अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, लव यू ऑल। Thank you.
जी इट्स लाइक मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. मतलब थकान वकान कुछ भी महसूस हो ही नहीं रही है और मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अभी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए और दूसरों की परफॉर्मेंस देखने के लिए और स्पेशली स्टेज पे जाने के लिए, बिकॉज मुझे देखना है पीपल आर लाइक सो चोफुल एंड यू नो सो एक्साइटेड. तो बहुत मज़ा आ रहा है. So I am not dancing, I am singing. For the very first time I'm going to do a singing performance. आज से पहले कभी भी नहीं किया है तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है, बट माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड मेरी एक्साइटमेंट जो है वो उसको ओवरकम कर रही है. सो इट्स ऑल राइट. सो इट्स नॉट गोना बी माई सॉन्ग, इट्स अ थिंग ऑफ लाइक 8 सॉन्ग्स. तो हाँ, लेट्स सी. पहली बार तो प्रेपरेशन तो यार बहुत टाइम से चल रही है, जब से हम लोगों को बता रहे हैं कि एपिक फैम जम आने वाला है तभी से बस होने लगा था. कौन से गाने गाने हैं, कैसे गाने हैं, कितनी बार हम लोगों ने लिस्ट बनाई है गाने गाने, वो गाने गाए मैंने, प्रैक्टिस किए, बट फिर इतना मज़ा नहीं आया तो फिर चेंज किया, फिर गाए, फिर वो कुछ गाने चेंज किए, आगे पीछे उस सब किया. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत टाइम से प्रैक्टिस हो रही थी और बहुत मेहनत भी लगी है, अब बस कामयाब हो जाए. थैंक यू. सो ऑल क्रेडिट गोज टू माई मम्मा, क्योंकि मैंने कोई और ड्रेस पहनने का सोचा था, वो जब बन के आया तो वो पसंद नहीं आया, तो फिर ये मेरी मम्मा का 11th आर अमेजिंग लुक था मेरे लिए. एंड थैंक यू मम्मा, थैंक यू, आई एम लविंग इट, एवरीबडी इज़ इन फैक्ट लविंग इट, बिकॉज मेरा जो कैंप का थीम था वो प्रिंसेस थीम था, तो मेरे थीम के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से जा रहा था. एंड यू लाइकिंग इट? No, it's not like a TikTok event. It's basically for all the social media personalities and all the influencers, not particularly from TikTok. So it's like for the YouTubers, for Instagram influencers, for TikTokers. So it's like a mixture of everything. It's not particularly focusing on one platform. बस अभी मैंने बहुत prep किया है. नहीं, अब मेरी आवाज़ सिर्फ आपको स्टेज पर ही सुनने मिलेगी, बाकी बात करते मैं सुनूँ. थैंक यू. बाय. लास्ट एक नंबर Thank you. Bye.
यहाँ पे यहाँ पे सर पे दरी जा I am so excited and this is the first time, you know, when we started with digital influencers, videos banana shuru kiye the and it really became a trend in 2019 and in 2020 we actually have a digital influencers fest, you know, epic fam jam 2020. So I think hats off to Kyuki for getting such a brilliant idea of, you know, organizing a festival where you get all the digital influencers together for all their fans. So I think this is a big and a proud moment looking at the response here. So very excited, I'm going to be performing tonight and performing on all my favorite songs, all your favorite songs, Tere Bin Ki Mein, Nazar Na Lag Jaye, Fruity Lag Diye, and so happy to be a part with everyone, Team 07, Teen Tigada, Aviz Nagma, and Avneet and Siddharth, Jannat, we all have worked the entire year or aaj sab hum apne apne gaano pe perform kar rahe hain, so it's a proud moment for all of us. I love all of them. I didn't want to say that, you know, ye mera favorite hai, but I love all of them and I think all people also love all of them. So tonight the epic is going to be Fruity Lag Diye, celebrating 70 million viewers. So excited to perform on it. Thank you. इधर इधर सार का इधर क्या स्पेलिंग